जय माता दी दोस्तों। हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, जैसा कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, सो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अभी मैं आया हूँ अपने कॉलेज में, क्योंकि हमारे कॉलेज में आज से गरबा की इवेंट स्टार्ट होने वाली है, जो कि पूरे 10 दिन चलने वाली है। और इस इवेंट के थ्रू बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। और आई होप आप सभी को पता भी होगा कि गुजरात में काफ़ी अच्छे से नवरात्रि भी सेलिब्रेट की जाती है, और गरबा तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही गुजरात का। सो इस वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को, उससे पहले चलते हैं गरबा इवेंट ग्राउंड में, देखते हैं वहाँ क्या प्रिपरेशन हो रखा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या नया चीज़ मुझे देखने को मिलता है। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, आ गए हम लोग गरबा ग्राउंड के पास, और ये देखो आप, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। ऊपर भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है, और यहाँ से हम लोग ने एंट्री की है। और अभी सामने है हम लोगों का गरबा ग्राउंड, ये देखो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आज की रात गरबा। और पास में ही वहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है, जो कि अभी बन रहा है, वो भी दिखाने वाला हूँ पास जाकर। और आगे जो आप देख रहे हो वो जोन 1 है, और ये जोन 2 है, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि जिनको बहुत ही अच्छे से गरबा आता है वो फर्स्ट जोन में जाके गरबा करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत गरबा आता है या फिर ग्रुपिंग में गरबा करते हैं उनके लिए ये है। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और जो भी हमारे सेलिब्रिटी आने वाले हैं वो यहाँ पर आकर सिंगिंग, डांसिंग, जो भी परफॉर्मेंस होगा यहाँ पर आकर होगी। तो इसकी भी प्रिपरेशन हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा और काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये गरबा ग्राउंड। तो रात में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी चलते हैं मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। I'm not afraid to die.
बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। ये प्यार है, इसे प्यार कहते हैं। अरे 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 तो दोस्तों अभी ब्रेक हुई है और ये सारे देख सकते हो क्या कर रहे हैं। ओ बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं क्योंकि बहुत देर गरबा की है, प्यास भी लगी है और गर्मी भी बहुत हो रही है। और आई थिंक आफ्टर आधा घंटा बाद या फिर बीच में आरती भी होने वाली है, उसके बाद फिर से हम लोग अपना गरबा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग आ गए फूड कोर्ट में क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। और ये देखो आप फूड कोर्ट का व्यू, मतलब आधा से ज़्यादा पब्लिक तो इधर फूड कोर्ट में बैठी हुई है। ऐसा का है भाई, बढ़िया रहा, खुशी रहा, आगे है, आगे है, मतलब ये और करना है। अभी लड़के में जोश है, जुनून है, करने का धुन है, क्या करेगा गरबा। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो अभी आ गए फूड कोर्ट, देखते क्या ऑर्डर करते हैं। अभी तो पता नहीं, सबसे पहले तो पानी पीना है, बहुत तेज भूख लगी है। यहाँ पर बॉम्बे फ्रेंकी है और बहुत सारी स्ट्रीट फूड है, चाइनीज भी है और कुछ फूड स्टॉल उधर भी है। और यहाँ पर शायद आई थिंक ये क्या रम्मी कोई नया एनर्जी ड्रिंक आई हुई है। आई होप आप सभी को पता भी होगा कोई नई एनर्जी ड्रिंक आई हुई है रम्मी की, जो कि ब्लैक कलर की है। अगर आप ट्राई किए होगे तो बताना, मैं तो ट्राई नहीं किया हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा गरबा होने वाला है और बहुत ही टाइम लगने वाली है, रात के भी बज गए हैं 11 और लड़े मित्रों आज बीजा नोरता ने गरबा अहीं समाप्त करिए छे। जय जय श्री।
दोस्तों, अभी हम लोगों का गरबा खत्म हो गया है। अभी हम मैं घर के लिए निकल रहे, बट यहाँ क्राउड देखो, गला भी फंस गया, बहुत ज्यादा गला फंस गया है और टाइम भी रात के 1 बज गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। फटाफट निकलते हैं घर के लिए और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए।